परिचय दीजिए अपना, बताइए आज मुहूर्त है। पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग आए हैं। मेरा नाम पंकज सिंह है और आज हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं। पिक्चर का नाम है आई एम किलर और भोजपुरी में मतलब कि एक अलग बनाने की कोशिश है, एक्शन मूवी है पूरी जी। और हमारे डायरेक्टर साहब राजेश राजपूत जी, हमारे प्रोड्यूसर जी, जिन्होंने एक नए लोगों पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है सबसे पहले तो, और एक विश्वास किए हम पर, उनका मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने विश्वास करके और एक अच्छी मूवी बनाने और एक अच्छा एक्टिंग करने की मैं कोशिश करूँगा कि उनको अच्छा एक्टिंग करके पिक्चर को अच्छा बनाऊँ। क्या विषय है, मतलब सस्पेंस थ्रिलर है, क्या है फिल्म? ये पिक्चर सस्पेंस है और क्राइम के दुनिया से है, समझिए मतलब कि डॉन जो होते हैं माफिया जी, तो उस माफिया पे पिक्चर है। तो आपके अलावा और कौन है कास्ट में? और कास्ट में इसमें हम लोग के अलावा अनिल यादव जी हैं जी, गोपाल राय जी हैं जी, मोहनी घोष जी हैं ओके, और जो भी इनकी पिक्चर काफी अच्छी चली जिला चंपारण काफी। तो आप इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट में काम किया? इससे पहले मैंने रज्जब अली के फिल्म, रज्जब फिल्म से काम किया है। जीत तुमको पानी की मेरी पहली मूवी थी। क्या बात। और दूसरी मूवी मेरी कब करब हम करब जंग अमीरी गरीबी से, और ये मेरी तीसरी मूवी है और दोनों मूवी मेरी रिलीज हो चुकी है। काफी अच्छे हैंडसम लुक से, आपको क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक फायदा करेगा ये लुक जो आपका? बस जनता जितना प्यार दे हमको, बस भाई लोग भोजपुरी भाई लोगों से यही है कि दोनों मूवियों को मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे लोग हमारे क्षेत्र में, हमारे जगह पे यूपी में हमने रिलीज किया था। तो कैसे एक्टर हैं, एक्शन डांस वगैरह कैसे कर रहे हैं? डांस तो थोड़ा दिक्कत है लेकिन एक्शन और रोमांस के लिए मतलब जाने जाते हैं। और कैसी कामयाबी पाना चाहते हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं भोजपुरी में, दिनेश लाल खेसारी, पवन सिंह, काफी सारे हैं, रवि किशन जी हैं, ये तो है, सब लोग हमारे गुरु हैं। और अभी हम लोग मतलब कि हम लोग को बचपन से शौक नहीं था कि हम लोग एक्टर बने, अचानक एक दिमाग मन में आया और हम लोग बने। तो बचपन से कोई ऐसा कोर्स तो हम लोग एक्टिंग का किए नहीं है, फिर भी एक अच्छा कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे वो लोग हम बेटर करने के लिए क्योंकि वो हमारे, उनसे ही हम सीखते हैं और उनको देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं, चाहे हमारे पवन भैया हैं, वो उनको मैं खास तौर से मानता हूँ पवन जी को। नमस्कार, मैं कनक पांडे और मैं इस फिल्म को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आई एम किलर दिस द मूवी नेम, तो मैं इस फिल्म को अपनी तरफ से ढेर सारी विशेष देना चाहूंगी कि फिल्म बने, अच्छी बने और रिलीज हो। तो कनक जी ये बताइए कि आपका कोई गाना है इस फिल्म में या कैसे जुड़ी हुई है, इस फिल्म से जुड़ी हुई है? एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्म कि मैं हूँ, बट आई जस्ट ट्राई कि शायद मैं रहूँ। अच्छा। और अच्छा लगेगा काम करके मुझे। आप बताइए अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या कर रही हैं, क्या किया है पास्ट में आपने? अभी मैंने ऑलरेडी फिल्में की है काफी, मेरी एक भोजपुरी मूवी भी आ चुकी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नेक्स्ट है बागेश और तीसरी विद दिनेश जी के साथ मेरी फिल्म आने वाली है सौगन। और मैंने एक हिंदी फिल्म भी की है जिसका नाम है द जिंक्स, जो 48th गोवा फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्टेड है, नाउ जस्ट रिलीज भी होने वाली है। यस। तो कनक जी कहाँ की रहने वाली हैं और क्या बताइए एक्टिंग से ताल्लुकात कब हुआ, कैसे हुआ आपका? मैं बेसिकली फ्रॉम गोरखपुर से हूँ और एक्टिंग से तो मेरा कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं है, मेरे फैमिली में भी कोई नहीं, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। बट जब मैं इंटर कर रही थी तो मेरे माइंड में आया एक भोजपुरी फिल्म का शूट मैंने देखा था गोरखपुर में, वो फिल्म चल रही थी, नाम तो मुझे नहीं याद, बट रवि जी की फिल्म थी और हमारे गोरखपुर के ही प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे थे और उनको मैं अच्छे से जानती भी थी। तो फिर मेरा माइंड में आया कि मैं शायद कर सकती हूँ, मैं कर सकती है, ऐसा एक डायलॉग है सुलू में, ऐसा मेरा था कि मैं कर सकती है। तो फिर मैंने ट्राई किया, मुंबई आए, बट मुंबई से फिर मैं वापस चली गई, मुझे कुछ सोर्स नहीं मिला। तो फिर मैं अभी एक साल पहले आई और देन एक साल से अभी कंटिन्यू है और मैं काम भी कर रही हूँ। तो ये बताइए क्या स्किल्स है, मतलब डांसिंग वगैरह स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स के बारे में बताइए कैसी हैं आपकी? स्किल्स का तो मेरा अच्छा है और एक्टिंग तो मेरा शौक है, मेरा पैशन है, एक शौक से भी बड़ी चीज़ होती है जिद, वो जिद है मेरी एक्टिंग, और एक्टिंग के लिए तो मैं पागल हूँ। और एक्टिंग का मैंने कभी कोर्स नहीं किया, बट गोरखपुर में कुछ ऐसा था तो मैंने ट्राई किया कि हम करें, हमारी यूनिवर्सिटी में होता था गोरखपुर में क्लासेस चलते थे, डिप्लोमा क्लासेस वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया भी थोड़ा, बट मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर ही अच्छी अच्छा काम करती हूँ। अंसारी हूँ मैं, मेरा नाम महबूब अंसारी है, मैं मुझे रहने वाला हूँ कुशीनगर जिला भरसर कास। ये जानना चाहूंगा आई एम किलर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म, भोजपुरी फिल्म पहली फिल्म है, इससे पहले भी आपने फिल्म प्रोड्यूस किया? पहले फिल्म मैंने एक बना चुका है कसम हमर माई के, और रिलीज भी किया मैंने अच्छी तरह और अच्छा रिस्पांस भी रहा। इसके हिसाब से मैं पंकज सिंह और जॉनसन, मेरा छोटा भाई है जॉनसन, उसको लेके ये
आई एम किलर बनाने जा रहा हूँ। बराबर। तो ये बताइए भोजपुरी फिल्म का निर्माण करने का क्या सोचा, मतलब ऐसा क्या आपको प्रेरित किया कि भोजपुरी फिल्म का निर्माण? मैंने सपने में भी नहीं ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, लेकिन जॉनसन के हिसाब से मैं काफ़ी सारा मेहनत किया और अभी ये लेवल पे पहुँचा हूँ। और मेरा सोच ऐसा है कि मैं इतनी अच्छी ये पिक्चर बनाऊँ कि लोगों को पसंद आए। इतने हैंडसम हीरो मिले हैं आपको, क्या तारीफ में क्या कहना चाहेंगे इनके? तारीफ में तो बहुत ही तारीफ करूँ उतना कम है उनका। अच्छा। और मेरे खास अभी फ्रेंड बन चुके हैं पंकज जी। और किस बड़े कलाकार से बनाना चाहते हैं फिल्म, इतने बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? अभी इसके बाद भी प्लानिंग है हमारा, लेकिन ये अभी कैसी बनती है अभी देखते हैं। ठीक है सर जी, चाहूंगा आई एम किलर किस तरह का ये स्टोरी लाइन इस फिल्म का, और कलाकार के बारे में बताइए कि जो कलाकार का चयन किया उसके बारे में बताइए कि किसका चयन? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के बारे में क्या, ये क्राइम पे है, कोई जरूरी नहीं कि क्राइम क्राइम से ही हो, अगर कोई भी आदमी क्राइम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। फिल्म में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाया गया है, और हमारे जो पंकज सिंह हैं वो लीड रोल कर रहे हैं, अच्छे एक्टर हैं। अभी आप लोगों ने बार बार पूछा उनसे, गुड लुकिंग सब कुछ अच्छा, तो वही देख करके हमने उनको जो है, और इससे अच्छा इससे आगे क्या बोलते। तो मतलब ये निर्देशक की तरफ पहली फिल्म है या पहले भी? सर मैं हिंदी से भोजपुरी में आया। अच्छा। और मेरा बहुत लगाव था कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं। ओके। मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने एक फिल्म और करी है भोजपुरी की, अभी रिलीज नहीं हुई है, बट इसकी कहानी सुनने के बाद, इसके राइटर हैं सागर शहरी जी, कहानी सुनने के बाद, कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये फिल्म मैं करूँ। और कहावत है, इंसान जो चीज़ चाहता है वो मिल जाता है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ एम अंसारी जी का, पंकज जी ने मुझे मिलाया एम अंसारी जी से, और फर्स्ट मुलाकात में पता नहीं मेरा व्यवहार अच्छा लगा, उनको क्या अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे एज ए डायरेक्टर साइन। तो आज मुहूर्त है, शूट कहाँ होगा और कब तक फिल्म देखने को दर्शकों को मिलेगी? ये फिल्म शुरुआत हो रही है 14 जनवरी से, जो कि मकर संक्रांति का दिन होता है, और शूट गोरखपुर और कुशीनगर गोरखपुर और नेपाल और नेपाल में करेंगे। सर क्या गोरखपुर के कलाकारों को भी मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर, सब गोरखपुर के ही है, और देखा जाए तो सारे लोग गोरखपुर के हैं। बात कलाकार गोरखपुर की नहीं होती, बात होती है यहाँ भोजपुरिया की जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, गोरखपुर का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, पर्सन तो पर्सन ही होता है। थैंक यू। जी सस्पेंस थ्रिलर है, तो काफी सस्पेंस भरा म्यूजिक भी होगा, कैसा म्यूजिक सस्पेंस बताइए? बहुत अच्छा म्यूजिक है इसका, डायरेक्टर जो है राजेश राजपूत जी हैं जी, उन्होंने मुझे बताया है कुल 8 गाने इसमें होंगे, एक सस्पेंस थ्रिलर लेकिन लव स्टोरी है। ओके। अब गाने पे काम चल रहा है। Okay. अब गाने कैसे कैसे आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए हिंदी फिल्म में देखिए बाजीगर जैसी फिल्म है, सस्पेंस फिल्म थी जी, थ्रिलर फिल्म थी, तो उसमें गाने भी काफी अच्छे होते हैं। गाने अच्छे थे, इसमें भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर ने कोई कंपेयर करने के लिए नहीं कहा मुझसे। अच्छा। कि बाजीगर जैसा होना चाहिए या सस्पेंस थ्रिलर वो फिल्म आई थी वैसा, एक नया काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कहाँ तक हो पाता है। जितना किया है अभी तक लोगों ने सराहा है, अच्छा लगा है, मैं समझता हूँ ये भी अच्छा लगेगा। तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो नए कोई लोगों को मौका दिया है गायक गायकी के तौर पे दिया है? मैंने सबसे पहले मौका दिया था पलक मुछाल को, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट सिंगर है, और बहुत से लोगों को मैंने चांस दिया है, और भोजपुरी सिनेमा के सुपरहिट आर्टिस्ट सबसे पहले मेरे पास आई थी कल्पना पटवारी, तो आप ये नहीं कह सकते हम चांस नहीं देते, ये तो कलाकार की का टैलेंट होता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हम तो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और देते हैं। इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं जी आप? इसके अलावा मैं 3 फिल्में कर रहा हूँ, लेकिन तीनों का टाइटल भी नहीं है, इसके बारे में डिटेल में बता नहीं सकता। हाँ, स्टार कास्ट है, खेसारी लाल यादव है, एक में पवन सिंह है, एक में ये बड़ी प्रोजेक्ट है, हाँ पंकज सिंह जी बुच कर रहा हूँ मैं। थैंक्स अजीत जी, ऐसा बनने कितने बड़ी बात है। सबसे पहले मैं हम अपने पत्रकारों को, जो मेरी मीडिया है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब जो भी पूछ रहे हैं पूछिए। कहना चाहूँगा किस तरह किरदार निभा रहे हैं और क्या इस फिल्म का विषय क्या है? विषय ये है कि बाप भी एक तरह से किलर ही है, क्या बात। समाज और ये सब के देखते हुए बाप भी किलर है और बेटा भी उसी राह पे चलता है, तो मतलब कि समझ लीजिए कि ये कहानी ऐसा है कि जो हर ऑडियंस को, हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि एक मजबूर आदमी जो अपने बेटा को कुछ करना चाहता है,
समाज उसे करने नहीं देता है। तो बाप भी उसी तरह से चलता है समाज के ही तरह। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी पुराना तालुका था आपका, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के बारे में अक्सर बात होता है इंडस्ट्री का, और हाल ही में देखें कि मतलब डायरेक्टर्स ने सुसाइड किया है, बड़े डायरेक्टर शाहद जी ने, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कि क्या हकीकत क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री की? कौन डायरेक्टर ऐसे थे भाई? साथ नहीं, साथ साहब एक बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे और बहुत ही मतलब कि लाजवाब किस्म के आदमी थे, मेरे दोस्त भी थे बहुत पुराने, कैमरा असिस्टेंट भी थे, कैमरामैन भी थे, उसके बाद डायरेक्शन शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिल्म की वजह से उन्होंने सुसाइड नहीं की। एक हो सकता है इंसान के जिसमें क्या होता है नहीं होता है, उनकी कोई भी दिक्कत बात से तो हम लोग को ये नहीं है, लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे। मैं ऐसा इसलिए लग रहा हूँ कि मेरे साथ तबीयत खराब है, तो वो कर लिए, जब इंसान पे कुछ गुजरता है तो किसी के कहने से तो उसका दुख कम नहीं होता, तो अपना दुख अपने ही खत्म कर लेता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे इस फिल्म के जो डायरेक्टर है हमारे राजेश राजपूत जी, जो गुड टेक्नीशियन, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे काम भी जानते हैं, तो इसलिए मैं तो हमेशा इनके साथ काम करना चाहूँगा और किया भी हूँ। उसी तरह से पंकज सिंह जी जो हैं हमारे इसमें हीरो, वो मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं, मैं उनका फादर का रोल कर रहा हूँ। एक और हीरो हैं जिनका नाम मैं जानना चाहूँगा, जॉनसन बेदर्दी, सिंगर है क्या? जी जी। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो सिंगर का दुनिया भी चल रहे हैं, एक सिंगर तो चाहिए हीरो बाबा। तो इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सर? बहुत सी पिक्चर है, किसका किसका नाम बताऊं? कोई प्रमुख पिक्चर का नाम बताइए। प्रमुख जो प्रमुख तो एक तो भी निरुवा चला लंदन कंप्लीट किया हूं। अच्छा। और दूसरा कर रहा हूं निरुवा चला अमेरिका। क्या बात है, तो शूटिंग कहां उसका हो रहा है या होगा? वो देखिए निरुवा चला लंदन का तो मेरा हो गया, तो लंदन में शूटिंग हुआ? नहीं मेरा नहीं, मैंने तो लंदन गाँव का ही था ना, तो नेपाल में हुआ। नेपाल में, ठीक है। और निरुआ चला अमेरिका का भी वही होगा, पूरे गांव में ही मेरा कहानी होगा। अच्छा, वो अमेरिका में शूट, बाद में बेटे को भेजता है अमेरिका। अच्छा। जाओ, पहले तो बेटा को गांव से प्यार रहता है, सब कुछ प्यार रहता है, खेती से, तो मैं उसमें जरा अलग टाइप का रोल किया हूँ कि एक फॉरन रिटर्न डॉक्टर, मेरा नाम है यूएस शुक्ला। क्या बात है। बेटा बोलता है पापा इतना अच्छा खेती, इतना अच्छा गाँव है, आई हेट यू गाँव, आई हेट यू खेती, आई डोंट लाइक, मतलब आई एम डॉक्टर यूएस शुक्ला। okay. मेरा बेटा खेती का बात करता है, व्हाट इज दिस, यही सब है। मतलब कितने दिनों सर आपने काम किया भोजपुरी में और कैसा अनुभव रहा अभी तक का? सर मुझे आज तक में जो कुछ भी हो भोजपुरी के ही लेके हूँ, भोजपुरी के ही आशीर्वाद से हूँ, इसलिए हमारे भोजपुरी से जितने जुड़े हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर है राइटर है, मैं सबको नमन करता हूँ। पहले मैं एक छोटा मोटा टेक्नीशियन था, कभी कैमरा अटेंडेंट था, कभी असिस्टेंट था, कभी कुछ था, कभी कुछ, करते करते गंगा किनारे बोला गाँव से एक्टर बन गया मैं। और अभी तक पहले तो बहुत निगेटिव किया हुआ, बहुत निगेटिव किया, वही सब मार धार का दर्द हो रहा है साहब, लाजू तो बहुत खाया हूँ। उतने ही अब प्यार का रोल कर रहा हूँ, बाप का रोल कर रहा हूँ, किसी में हीरोइन का बाप हो तो किसी भी हीरो का बाप हो, ज्यादा करके हीरोइन का बाप हो। अच्छा। पंकज जी का भी इसमें फादर कर रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा, अच्छा स्टोरी है। राजेश राजपूत जी और उसके बाद में राजेश गुप्ता जी है। अच्छा। जो म्यूजिक की तो बाहर ला देंगे वो, ये तो मेरे को मालूम है। नए सिंगर के बारे में यह है, जैसा मैंने सबको चांस दिया, कोशिश किया और आपको बताया भी था, उसी तरह इस फिल्म में भी एक सिंगर है जॉनसन बेदर्दी। क्या बात है। और जिस फिल्म में मेन लीड भी कर रहे हैं, हीरो भी हैं, उनको वो बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने सुना है उनको, और उनके लिए गाने बना रहा हूँ, वो गाएंगे भी, और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा गा सकें और उनको इस फिल्म में चांस दिया जाएगा। थैंक्स।